ये जो पहलवान है ये भी कहते हैं कि आपने तो राम रहीम को भी पीछे छोड़ दिया, क्यों ये इस तरह के आरोप लगे? ठीक है, अब श्रीमान जी मैं आपसे कहना चाहता हूं और पूरा देश जो मुझे सुन रहा हो सबसे कहना चाहता हूं, न्यायपालिका से बड़ा कोई नहीं है, जांच एजेंसी कोई भी हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अगर इनको दिल्ली पुलिस पर नहीं विश्वास है तो सीबीआई से जांच करा लें, अच्छा। अन्य एजेंसी से जांच करा लें, लेकिन अच्छा। कहीं तो रुके ये, किसी से जांच करा ले। ये लोग, इनमें से कई लोगों से जब हमारी बात होती है ना, बताओ जर्नलिस्ट जब हम जाते हैं तो इनका ये कहना है, भाई ब्रिजभूषण जी तो बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत दबंग कहे जाते हैं, गोंडा के बाहुबली कहे जाते हैं, मंच से किसी को भी थप्पड़ मार देते हैं। एक बार थप्पड़ मारा था ना आपने किसी को, मंच से थप्पड़ मार देते हैं, न जाने हमारा क्या कर देंगे। अपने बच्चे को मारा, अपने बच्चे को मंच से कोई थप्पड़ मारता है क्या ब्रिज जी? बिल्कुल मारेंगे, गलती करेगा मारेंगे। अपने मेरे पिता ने घर के अंदर थप्पड़ मारा होगा लेकिन मंच पर तो नहीं मारा। बच्चे को आप भी मारते हैं, अपने बच्चे को आप भी मारते हैं, मैंने भी अपने बच्चे को मारा है। वो ये भी कहते हैं कि आपने स्वीकार किया आपने एक हत्या की है इसलिए उन्हें डर लगता है। अरे कहां स्वीकार किया, मैंने कहा सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी, सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी, उसकी गोली आज भी मेरे शरीर पर मौजूद है, मेरे शरीर पर यहाँ छर गोली है, मेरे यहाँ गोली आज भी मौजूद है, तो सेल्फ डिफेंस में गोली चली थी, मेरे हाथ से एक हत्या हुई। आप पर आईपीसी की धारा 354, 354A, 354D और पॉक्सो लगा है, इसकी गंभीरता का एहसास है आपको? क्या दिल्ली पुलिस ने संपर्क किया आपसे? देखिए हमको गंभीरता का एहसास है, इन लोगों से कहिए कि गंभीर हो जाएं, अब जाएं घर, इनका नाटक बहुत हो चुका, ये इमोशनल ड्रामा जो ये 4 महीना से कर रहे हैं और हमको लेकर के हमारे पार्टी को बदनाम कर रहे हैं, ड्रामा बंद करें, ये ड्रामा बंद कर अपने घर जाए और इनको विश्वास नहीं हो चली जाए फिर कोर्ट में और कह दे कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई इंक्वायरी करा ले, या उससे बड़ी भी कोई एजेंसी हो तो उससे इंक्वायरी करा ले। आप कहते हैं इमोशनल ड्रामा, वो ये कहते हैं हमारे घर की इज्जत पर बनाई है। और हमारी इज्जत इज्जत नहीं है, हमारी इज्जत इज्जत नहीं है, वो ये कहते हैं कि घूम रहे हैं, हमारी इज्जत इज्जत नहीं है, आपके पास कोई प्रमाण नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, उसके बाद आप लगातार जो है एक कहानी बना करके मेरी इज्जत की धज्जी उड़ा रहे हैं, आज पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, हमारी इज्जत नहीं है, केवल आपकी इज्जत है, मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे बहन बेटी नहीं है, उन्हीं बहन बेटियों के साथ आप खाना खाती थी, उन्हीं बहन बेटियों के साथ आपका फोटो है, वही बहन बेटी आपको आपकी विदाई करती थी, यही साक्षी मलिक है, मेरे बेटे के ससुराल गई थी और हमारे रिश्तेदारों ने इनका स्वागत किया, इनकी विदाई किया, सम्मान किया, इनकी माँ का सम्मान किया, तो हमारी बहु बेटी नहीं है, केवल यही बहु बेटी है, हमारे साथ जो करोड़ों लोग जुड़े हैं उनकी बहु बेटियां नहीं है, केवल इनकी बहु बेटियां हैं। मैंने पहले कहा है कि अगर 12 साल से ये सब कुछ हो रहा है तो एक ही अखाड़े के बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, एक ही परिवार के बच्चों के साथ क्यों हो रहा है, हरियाणा के अन्य खिलाड़ियों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, राजस्थान, कर्नाटक, बंगाल, आसाम, त्रिपुरा, मणिपुर, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इनके बच्चों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, केवल इन्हीं के साथ हो रहा है और ये चुप है, 12 साल से हो रहा है और ये चुप है, और समस्या का समाधान खोजने के लिए आए भी तो जंतर मंतर पर आए। आपकी राजनीति को लगभग 2.5 दशक हो चले हैं, नैतिकता का भी एक पैमाना होता है, नैतिकता का भी एक तकाजा होता है, क्या आप इस्तीफा देंगे? हालांकि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का पद आपका लगभग पूरा हो चुका है, सांसद ही छोड़ेंगे? सांसदी क्यों छोड़े? आप ही बता दीजिए क्यों छोड़ना चाहिए? नैतिकता भी कोई चीज होती है ना, क्या गलत किया है, क्या आरोप तो लगे हैं ना, आरोप लगे तो जांच आने दीजिए, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, पॉक्सो एक्ट में आपको घेरने की कोशिश है, अरे जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, पासको एक्ट में भी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए। लड़कियां रो रही हैं, बिलख रही हैं, आंसू बहा रही हैं, पैसा पा रहे हैं, डेली सप्लाई है, दे धक्का धक, कौन दे रहा है पैसा, 3 करोड़ किसी को, 1 करोड़ किसी को, अब जाओ पूछो, आप पूछिए, जाकर के पूछिए, धक्का धक पैसा आ रहा है, धक्का धक पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है पैसा? इसीलिए तो हम इसीलिए तो चाहते सीबीआई जांच हो जाए कि इस आंदोलन के पीछे कौन है। नहीं, अगर पैसा आ रहा है, कोई सबूत है आपके पास में? पीछे कौन है, इनके पास कोई सबूत है?
ये कहते हैं वक्त आने पर सबूत देंगे, तो हम भी वक्त आने पर सबूत देंगे। वक्त आ गया है, आपकी इज्जत की बात आ गई है, आप कानूनी घेरे में हैं, सबूत दीजिए ना आप, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है, 140 करोड़ के हिंदुस्तानी इंटरव्यू देख रहा है। आप चिंता मत करिए, 140 करोड़ लोग देख रहे हैं और सब सच्चाई को समझ रहे हैं कि खेल कहां से शुरू हुआ है, कहां जा रहा है, सब देख रहे हैं। आप चिंता मत करिए, जांच को का इंतजार कम से कम आप भी कर लीजिए, आपसे भी आग्रह है कि जांच का इंतजार कर लीजिए। और अगर इनको लगता है, अभी से एडवांस में कहना शुरू कर दिया है कि दिल्ली पुलिस पर हमारा भरोसा नहीं है, इनके बयान सुन लीजिए, तो इनसे कहिए कि अभी समय है, सुप्रीम कोर्ट चले जाए, एक एप्लीकेशन डाल दें कि दिल्ली पुलिस पर भरोसा नहीं, सीबीआई से जांच करा लिया जाए या कोई और एजेंसी हो तो उससे जांच करा लिया। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप जनता के नेता हैं, और अगर कोई 6 टर्म सांसद रहता है, यानी जनता की पसंद से रहता है, मैं लोकतंत्र में जनता के फैसले पर किसी भी तरह का सवाल नहीं उठा रहा हूं। लेकिन बिजभूषण जी, हालांकि आप गुस्से में हैं, यकीनन हालात ऐसे हैं, आप गुस्से में बिल्कुल होंगे, लेकिन मैं जर्नलिस्ट की हैसियत से ये पूछना चाह रहा हूं, कभी आपको लगा नहीं कि जंतर मंतर जा करके अगर आप सही हैं तो विनेश, साक्षी मलिक आंखों में आंखें डाल करके ये कहें कि बेटा क्यों मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं आप लोग, हमने तो आप लोगों को ओलंपियन बनाने के लिए इतना काम किया, अगर आप सही हैं तो जंतर मंतर चले जाते आप, वहां पर हम दिखाते ऐसे बिल्कुल बड़े बड़े कैमरे लगा करके हम दिखाते, देखिए बिजभूषण जी पहुंचे हुए हैं, ये लग रहा है कि बिजभूषण जी सीधे बातचीत करना चाहते हैं, बिजभूषण जी पहुंचे हुए हैं, बिजभूषण जी की पिटाई कर रहे हैं, बिजभूषण जी को गाली दे रहे हैं, आप तो बाहुबली हैं, आपकी पिटाई कौन करेगा, आपकी कमीज फाड़ रहे हैं। अरे छोड़िए साहब, छोड़िए, वो सब बातें बीत चुकी है, वो बहुत दौर और था, वो दौर और है, इतना गाली खाने के बाद इनके पास जाएंगे हम कि आओ, ये सब दौर हो चुका है, जांच का भरोसा करना चाहिए, इसके अलावा मेरे शब्द नहीं है। और अगर ये कहते हैं कि इन्होंने देश के लिए मेडल जीता है, चलिए जीता है ठीक है, तो उसमें सरकार का भी सहयोग है, ये देखें कि सरकार ने, जिस मोदी जी की आज आलोचना कर रहे हैं, देखें कि इसी मोदी की सरकार ने इनके एक एक खिलाड़ी के पीछे कितना खर्च किया, ये भी देखें, साई के माध्यम से, टॉप स्कीम के माध्यम से देखें कि इनके पीछे, इस मेडल के पीछे भारत सरकार का या जनता का कितना पैसा लगा हुआ, ये भी देखें। और मेडल जीतने का मतलब ये नहीं है कि आप जो चाहो कहो और वही माना जाएगा। देखिए, आज दुर्भाग्य है कि सुशील कुमार को 2 मेडल मिल चुका है, पूरे देश में सबसे ज्यादा उपलब्धि है तो सुशील कुमार की है, लेकिन एक घटना घट गई, आज वो भी कानून के दायरे में जेल में है। तो कोई जरूरी नहीं है कि मेडल आपने ले लिया तो जिसको चाहो आप गाली दो,